स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में योगदान करें। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती उससे, हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती है। बीमारियां फैलती है। देखिए, पहले का समय जब भी था, 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, वो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता, बेटियों को होता। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही थी। तो स्वच्छता का फायदा हुआ नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। आज आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और सर उससे डिजीज भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा, आप लोग कभी घर में ये कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं? मम्मी बोलती होगी ये सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कौन कौन लोग है झगड़ा करते हैं? सारी सब्जी खाती है। करेला भी खाती है? करेले। अच्छा, करेले को छोड़ कर। आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर, आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारे फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को भी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं। तो सर, जब हम 18 प्लस के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1,000 रुपये बैंक में डालते हैं, साल का 1,000, मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसमें से आधे पैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1,000 रुपये रखे हैं तो उस समय जब निकालेंगे तो करीब करीब 50,000 रुपये मिलता है, करीब करीब 30-35 हज़ार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपये जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है, 8.2%। ये हमारे भारत का मिक्सचर है कि हमेशा हमें साफ करना चाहिए। इसमें बच्चों को है कि हम साफ करते दिखाया गया है कि इसे साफ करना डालो। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। वे वो इलाका था जहाँ समुद्र का तट था, पानी खारा था, जमीन भी ऐसी थी, तो पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली के बिल्कुल तिरपे नहीं। तो उन्होंने ताकि बच्चों को सबको उन्होंने बॉटल दिया, उसके खाली होता या तो ऑयल के कैन आते हैं, खाली वो धोकर के साफ करते, सब बच्चों को दिया और कहा कि घर में माँ जब खाना साफ तो बर्तन साफ करते, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करते और वो पानी इस बॉटल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ। और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा, अपने घर से जो बॉटल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना उसको पेड़। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया
पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा ये ड्राई वेस्ट हां तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ड्राई करते हैं पक्का माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है प्लास्टिक में लेके आ तो आप तो भी माँ से झगड़ा करते हो तो मम्मा घर से थैला लेके जाओ ये प्लास्टिक क्यों लाती हो गंदगी घर में क्यों लाती हो ऐसा बताते हैं नहीं बता कपड़े के थैले बताते हैं अच्छा ये क्या है गांधी जी का चश्मा और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हैं? तो आपको याद रहेगा यस सर हैं? क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे पता है ना यस सर उन्होंने उनका प्रमुख तो कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा यानी वो आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता को महत्व देते थे अब बताइए हमारे स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए आपको लगता है कि स्वच्छता ये कार्यक्रम होना चाहिए कि स्वच्छता ये आदत होनी चाहिए लोगों को क्या लगता है ये स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम है लेकिन हकीकत ये है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं ये जीवन भर 365 दिन और जितने साल जिंदा रहे हर दिन करने का काम है और उसके लिए क्या चाहिए मन में एक मंत्र चाहिए अगर देश का हर नागरिक तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो क्या होगा तो अब आदत क्या डालनी है मैं गंदगी नहीं करूंगा पहली आदत ये है पक्का ये युग सच अभियान का प्रगति और उत्थान का जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ प्लास्टिक को तुम त्याग दो कपड़े का थैला ले लो तुम घर की साफ सफाई कर लो जीवन सरल बना लो तुम